दोस्तों, मौत एक ऐसा कंसेप्ट है, एक ऐसी अवधारणा है जिससे हर इंसान डरता है। मौत से ऐसा कोई इंसान नहीं है जो चाहता हो कि मौत मेरे सामने आए। मौत के बारे में मैं आपको अजब गजब तथ्य की जानकारी दूंगा। आपको इनको आप ध्यान से समझिए। आप पहला पॉइंट, दुनिया के अंदर एक सेकंड में 105 लोगों की डेथ होती है। पॉइंट नंबर दो, 40 सेकंड के अंदर दुनिया में एक इंसान अपनी आत्महत्या करता है, यानी खुदकशी। और पूरी दुनिया के अंदर हम देश के हिसाब से देखें तो आत्महत्या के मामले में जापान सबसे आगे है। जापान में आत्महत्या की दर दुनिया में सबसे ज़्यादा है। पॉइंट नंबर तीन, हम सोचते हैं क्या हम अकेले मरते हैं, ऐसा नहीं है। जिस क्षण, जिस मोमेंट हमारी डेथ होती है, उसी मोमेंट पर, उसी क्षण पर पूरी दुनिया के अंदर हमारे मौत के साथ 160,000 व्यक्तियों की मौत भी होती है पूरी दुनिया के अंदर। पॉइंट नंबर चार, डॉक्टरों की लिखावट इस तरह की होती है कि उसे हम पढ़ नहीं पाते। हम मेडिकल स्टोर के पास वाले तो जाते हैं, वो भी नहीं पढ़ पाते हैं, वो भी दवाई गलत देते हैं। तो डॉक्टर की लिखावट की वजह से पूरी दुनिया में 7,000 व्यक्तियों की मौत हर साल होती है। पॉइंट नंबर पाँच, जलाने की प्रथा डेड बॉडी को कब से शुरू हुई, इस बारे में कोई निश्चित डाटा तो नहीं है, परंतु जो हमारी साइंटिफिक सर्वे हुए हैं, हमारी रिसर्च हुई है, उनमें डाटा निकल गया है कि जलाने की प्रथा 3,00,000 साल पहले स्टार्ट हुई थी। और कुछ धर्म ऐसे हैं जो डेड बॉडी को जलाते हैं और कुछ धर्म ऐसे हैं जो डेड बॉडी को दफनाते हैं, परंतु पारसी धर्म के मानने वाले डेड बॉडी को न जलाते हैं न दफनाते हैं, वो डेड बॉडी को खुले में छोड़ देते हैं। इसके पीछे उनकी सोच ये है कि डेड बॉडी को जलाने से या दफनाने से कुछ फायदा नहीं होता, बजाय नुकसान के। दफनाएंगे तो मिट्टी खराब होगी और जलाएंगे तो पॉल्यूशन होगा, वो खुले में छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि पशु पक्षी उस डेड बॉडी से अपना भोजन की प्राप्ति कर सके, यानी एक परमार्थ का काम के लिए वो खुले में छोड़ देते हैं। पॉइंट नंबर छः, डेड बॉडी को हम जमीन पर रखें और उसी डेड बॉडी को हम पानी में डाल दें, तो पानी में डेड बॉडी के गलने की दर 4 गुना होती है, यानी कि डेड बॉडी धरती पर है, यदि वो 4 घंटे में गलती है तो वो पानी में 1 घंटे में गल जाएगी। पॉइंट नंबर 7, पूरी दुनिया के अंदर जो हमारे नौजवान हैं, यूथ हैं हमारे, उनकी मौत इतनी किसी बीमारी से नहीं होती, कैंसर से, टीबी से या अन्य बीमारी हैं उनसे नहीं होती। सबसे ज़्यादा मौत जो होती दुनिया में यूथ की, नौजवानों की, वो होती है कार एक्सीडेंट से होती हैं। पॉइंट नंबर हमारा नेक्स्ट, हमारे यहाँ इंसान बूढ़ा क्यों होता है, वृद्ध क्यों होता है, आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाया कि आदमी बूढ़ा क्यों होता है। इसके पीछे कोई भी रिसर्च आज तक कामयाब नहीं हो पाई है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, इंसान जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक लेफ्ट हैंडेड जो बाएं हाथ से लिखते हैं और दूसरे राइट हैंडेड जो राइट हैंड से काम करते हैं। जो लेफ्ट हैंडेड वाले व्यक्ति हैं उनकी आयु राइट हैंडेड वालों की तुलना में 3 साल कम होती है, यानी कि लेफ्ट हैंडेड वाले की मौत राइट हैंडेड वाले के तुलना में 3 साल पहले हो जाती है। ये एक एवरेज डाटा है, एक एवरेज आंकड़ा है, ये ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति के साथ ही ऐसा होता हो। अगला पॉइंट, अब तक दुनिया में जो मौत हुई है, जब से मानव का अस्तित्व आया है इस धरती पर, वो है 10,000 करोड़ मौत अब तक इस धरती पर हो चुकी है इंसान की। नेक्स्ट पॉइंट, जलीय प्राणी
जिसे बोलते हैं जेली फिश, उसकी मौत कभी नहीं होती। एक और इंटरेस्टिंग डाटा आपके सामने, एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट आपने नाम सुना है, माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ते हैं तो उसे अपनी बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं, पर इस दौरान लोगों की डेथ होती है। माउंट एवरेस्ट पर आज भी 200 व्यक्तियों की जो पर्वतारोही हैं उनकी डेड बॉडी वहां पड़ी हुई है, परंतु ये डेड बॉडी इस काम में आती है एज ए लैंडमार्क के रूप में काम करती है। जो एवरेस्ट पर चढ़ाई करते हैं तो उन्हें डेड बॉडी मिलती जाती है, तो उनको मालूम होता है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी के लिए रास्ता इस तरह से जा रहा है। हमारे जितने भी बॉडी में पार्ट हैं उनमें धीरे धीरे करके सभी अंग काम करना बंद कर देते हैं जब व्यक्ति की मौत हो जाती है, परंतु कान हमारा एक ऐसा पार्ट है जो सबसे बाद में डेड होता है। तो ये मैंने आपको बताइए आपको 13 पॉइंट डेथ के बारे में, मौत के बारे में अजब गजब तथ्यों की जानकारी दी, और ये जानकारी जो आपको मैंने दी वो किस प्रकार लगी मुझे मेरे चैनल संजीव भारद्वाज एजुकेशनल वीडियो, इसको सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे मौत के बारे में उनको भी जानकारी हो सके। जय हिंद, जय भारत।